मेरे दोस्त के जीजा जी हैं, उन्होंने हमें बोला कि पहले आप चैनल को मोनेटाइज कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। दोस्तों जब भी मैंने उस अपने मोबाइल को खोलता था लॉग, तब उनका चेहरा दिखाई देता था, मैं तुरंत स्टैंड लेके भाग जाता था, जाके वीडियो बनाता था। तब तक मैं सीरियस नहीं लेता था, तब तक मैं सक्सेस नहीं था। जिस दिन मैंने सीरियस ले लिया, उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आपका ऑडियंस किस प्रकार का वीडियो देखना चाहता है? जीरो लेवल से मात्र 2 मंथ में कैसे मैं ग्रो कर लिया। तो आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए 2 टिप्स देता हूँ, जिस टिप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल कल सुबह मोनेटाइज हो गया, वो भी 12 घंटे के अंदर। दोस्तों मेरे सारे वीडियोज पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का डॉलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इसका सबसे पहले आप लोगों को जाता है, तो आप लोगों को दिल से प्रणाम। लव यू माई ऑल व्यूअर एंड सब्सक्राइबर। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अब होगा आपका चैनल मोनेटाइज। क्योंकि आपका भाई का एक मुहिम था, मैं अपना चैनल जब मोनेटाइज कर लूँगा तो जो भी मेरे अंदर एक्सपीरियंस है सारी एक्सपीरियंस दूंगा। और आपका भाई वादा करता है कि 2 मंथ से लेकर 1 मंथ के अंदर आप लोगों का भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम सजना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आने वाला दिन में आपका भाई वीडियो बनाएगा कि 4000 वाच टाइम कैसे कंप्लीट करें, वो भी 1 मंथ के अंदर, कैसे 2 मंथ के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज करें। 4000 वाच टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कैसे अपने चैनल को अप्लाई किया जाता है ताकि हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो 12 से 24 घंटे के अंदर में इनेबल हो जाए, हमारा डिसेबल ना हो। और दोस्तों मोनेटाइजेशन जब अप्लाई करते हैं हम, जब अप्लाई करके सक्सेसफुल हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद कैसे हम अपने प्रत्येक वीडियो पे मोनेटाइजेशन को ऑन करेंगे, इस सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको आगे के दिनों में वीडियो देखने को मिलेगा। हमारा अगर रेड डॉलर आ गया या येलो डॉलर आ गया तो तुरंत उसको ग्रीन डॉलर कैसे करें, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों आने वाले दिन में। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ, आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए 2 टिप्स देता हूँ, जिस टिप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 2 टिप्स मैं दे रहा हूँ, जो मेरा ज़िंदगी से गुजरा है वही 2 टिप्स आपको भी दे रहा हूँ, आप भी इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों देखिए, कभी भी मेरा एक बात याद रखिएगा, चैनल मोनेटाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, चैनल मोनेटाइज करना एक बच्चों का खेल है। मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में स्टार्टिंग से, यानी कि जब 2017 से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, उस टाइम में क्या था कि सिर्फ 10,000 व्यूज कंप्लीट कर लो चैनल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन उस टाइम में भी मैंने 1.5 साल काम किया, छोड़ा, यानी कि बीच में 6 महीना वीडियो बनाता था, 6 महीना छोड़ देता था। ऐसे करके एक श्याम बिहारी ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, कॉमेडी चैनल है, उस पर मैंने ऐसे किया, वो भी चैनल मेरा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक शॉर्ट का चैनल बनाया जिस पर 4700+ सब्सक्राइबर है, जिसका नाम है श्याम सजना शॉर्ट, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, गुजरात गया, जॉब में मेरा मोबाइल जमा हो गया, उस पर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट का जो चैनल है उस पर अगर रेगुलर 2 मंथ तक आप काम छोड़ दोगे तो उसके बाद उस पर बिल्कुल भी व्यू नहीं आएगा। उसके बाद मैंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था फनी मोल, उस पर भी मैंने 3,000 के लगभग मेरा सब्सक्राइबर था, उस पर भी मैंने काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों आपका भाई इस चैनल को 0 लेवल से मात्र 2 मंथ में कैसे मैं ग्रो कर लिया, तो दोस्तों सिंपल सा उसका एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी कोई अगर आपको हंस दे रहा है तो उस हंसे हुए बात को आप अपने सीरियसली ले लो, क्योंकि मैंने जब तक मैं सीरियस नहीं लेता था तब तक मैं सक्सेस नहीं था। जिस दिन मैंने सीरियस ले लिया, उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। दोस्तों देखिए, एक मेरे व्यक्ति हैं, यानी कि मेरे दोस्त के जीजा जी हैं, उन्होंने हमें बोला कि पहले आप चैनल को मोनेटाइज कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। तो मैं बहुत कुछ दिन तक तो लोग कोई भी मजाक करता है, अरे ये उबारू हो गया है, वीडियो बना रहा है, इसको काम धंधा नहीं है, ये वीडियो बना रहा है। दोस्तों तो इन सारी बातों को मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन उस दिन क्या था कि मेरी कोई गलती न थी, अगला बंदा हमको बोला तो मैंने क्या किया, सीरियस ले लिया और एक उनका फ़ोटो लगा लिया अपने मोबाइल में, लिख दिया पहले चैनल मोनेटाइज करो फिर बात करो। दोस्तों जब भी मैंने उस अपने मोबाइल को खोलता था लॉग, तब उनका चेहरा दिखाई देता था, मैं तुरंत स्टैंड लेके भाग जाता था, जाके वीडियो बनाता था। इससे क्या हुआ कि मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू काम किया, कंटिन्यू काम करने की वजह से मेरा अच्छा खासा चैनल ग्रो होने लगा और मेरा वॉच टाइम बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, एक श्रेय आपको ये देता हूँ, ज़िंदगी में कोई भी अगर आपको
चिढ़ा रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो उसको आप सीरियस ले लो। अगर आप किसी भी लाइन में वीडियो बनाते हो, आपके गांव समाज के कोई ना कोई आपका मजाक उड़ाता होगा। अगर आपको मजाक उड़ा रहा है तो आप उसको सीरियस ले लो, क्योंकि आप जब तक सीरियस नहीं लोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। आप क्या कीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा आपका मजाक उड़ाता होगा उसका क्या कीजिएगा, एक फ़ोटो ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में लगा लीजिएगा, जो बात उसने बोला है वो बात को लिख लीजिएगा। आपका भाई गारंटी दे रहा है कि आपके अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि आप जो काम मतलब पिछले 5 साल से नहीं कर पाते होंगे उस काम को आप 1 मंथ में कर लीजिएगा। तो वही काम मैं ये किया। 1 नंबर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में यही योगदान है। दूसरा क्या योगदान है, जब आप 5-10 वीडियो बना लीजिएगा उसके बाद आप अपने YT स्टूडियो में जाइएगा, वहाँ एक ऑडियंस का ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे देखिएगा कि आपका ऑडियंस किस प्रकार का वीडियो देखना चाहता है। ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ पे 3-4 चैनल आपको सजेस्ट होगा। आप मेरा भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 चैनल सजेस्ट हो रहा है कि यानी कि मेरा जो ऑडियंस है इन लोगों का भी वीडियो देखता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है इन लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाता है। दोस्तों इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और एक बात कभी भी ख्याल रखना है, जो भी आपके चैनल वाले आपके आजू बाजू के होंगे, अगर डांस करते होंगे तो डांस से रिलेटेड जो भी चैनल है उनका हैशटैग आप लगाइएगा अपने में स्टार्टिंग में। उससे क्या होगा, उसका ऑडियंस आप खींच लीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे ज़्यादा मैं अपने ऑडियंस में गया, वहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा लोग देख रहे थे ग्रेटिक से रिलेटेड वीडियो, तो मैंने ग्रेटिक से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोग को च्वाइस था कि ग्रेटिक से रिलेटेड वीडियो देखना। तो दोस्तों मैंने ग्रेटिक से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं टिकी पर बहुत ज़्यादा टॉपिक पे वीडियो बना रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा था ग्रेटिक से रिलेटेड। तो मैंने स्टार्ट कर दिया कितना अच्छा ग्रेटिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, कितना अच्छा मेरे भाई को ज्ञान दे दूँ ताकि भाई को ग्रेटिक मिल जाए। तो भाई लोगों ने भी अच्छा खासा प्यार दिया और मेरा चैनल आज आपके सामने मोनेटाइज है। तो दोस्तों कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा। आगे आने वाले दिन में आपको वीडियो वायरल कैसे करना है, चैनल मोनेटाइजेशन करने के बाद क्या किया जाता है, कौन सा वो गलती है जो आपको चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इन सारी टॉपिक से रिलेटेड आपका भाई वीडियो बना के आपको परोस देगा। तो आप देख लीजिएगा, और आपका भाई वादा करता है कि आपको कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछिएगा, आपका भाई रिप्लाई जरूर देगा। आपका भाई अब यूट्यूब से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, जय हिंद, लव यू। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई जब भी वीडियो बनाएगा आपको मिलेगा सबसे पहले।